एवरीवन वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज का जो वीडियो ना बड़ा लेट आया यार, बड़े दिनों के बाद भी आया। क्या ना मेरे स्कूल के थोड़े पेपर चल रहे थे, आने वाले आपको पता है वो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं भाई के यार 11th मतलब 12th इस बार। तो सोचा कि भाई वीडियो थोड़ा ब्रेक कर देते हैं बीच में, कुछ दिनों बाद डालेंगे। इस बार ना कुछ ज्यादा ब्रेक हो गया और कुछ ज्यादा लंबे समय का टाइम मिल गया, तो गाइस के लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन अपना थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी डालने के लिए। तो अभी तो बोर्ड पेपर आए नहीं, आने वाले हैं और थोड़ी बहुत टेंशन और है, सोचे भाई डाल देते हैं हमारे चैनल में बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। तो बीच बीच में अभी डालना पड़ेगा, जब पेपर हमारे खत्म हो जाएगा मस्त तरीके से फिर अपने भाई ने झक्कास वीडियो बनाएगा मतलब, और नई नई चीज़ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएगा। आज का क्या टॉपिक होने वाला है, तो बस आज मैं बनाने वाले वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसे आपको पता होगा हमारा जो मोबाइल होते हैं वायरलेस चार्जर वाले फोन होते हैं, जैसे हम उनको किसी के ऊपर रख देते हैं मतलब चार्जर होता है उसके ऊपर रखते हैं, किसी ऊपर क्या रखेंगे, तो भाई चार्जर ऊपर जैसे रखते हैं हमारा फोन झक्का चार्ज होने लगता है। आपको मतलब ऐसा लगता है भाई किस तरह के चार्ज होने लगते हैं, मतलब बिना ही पिन लगाए चार्ज हो जाता है। तो भाई आज हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि बिना ही पावर मतलब बिना ही टच किए ऊपर दूर दूर से मतलब पता होगा ना, आज मैं कुछ ऐसे सिस्टम एक बनाने वाले जो काफी झक्का होने वाला, समझ रहे हो। तो चलिए फिर देखते हैं भाई किस तरह से बनाते हैं। और भाई इस बार वीडियो के लिए लाइक कर देना मस्त तरीके से, अपने भाई को तो सपोर्ट करना, तो लाइक करना। और चैनल में नए हो आने जैसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का आइकन ऑल सेट कर लेना। और हाँ एक बात, और अपने चैनल में कोई फेक वीडियो नहीं होता, जो रियल होता है, जो चीज़ कमी होती है वो बता देता भाई ये वाली कमी इस चीज़ में है। तो चलिए फिर फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेने वाले पुराना बेकार ट्रांसफार्मर, तो आप किसी भी पुराने ट्रांसफार्मर का यूज करना, आप नए ट्रांसफार्मर का यूज मत करना और अपना किसी मशीन में से मत निकाल लेना भाई। आपको पुराना चाहिए ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है वहाँ पे जाके बोल देना भैया हमें कोई पुराना ट्रांसफार्मर दे, तो आपको 5-10 रुपये में यूँ ही दे देंगे। तो यहाँ पर एकदम बेकार एकदम बकवास ट्रांसफार्मर मैं यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। इसके अड्डे पिछले तोड़ने के हम यहाँ पर कुछ टूल्स का यूज करने वाले हैं, इसको चलिए फिर फटाफट से खल्लास कर लेते हैं। तो गाइस भाई पूरी ट्रांसफार्मर सिर्फ इस चीज़ की जरूरत थी और जो बाकी का सामान था वो एकदम बकवास था। तो भाई हमें यहाँ पर एक कॉइल निकाली, इसमें गाइस एक प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। जहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल यहाँ पे गाइस पतला वायर होता है और सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर मोटा वायर होता है। तो गाइस आपको मोटे वायर का यूज़ करना, पतला वायर आपको यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना आपको मालूम पड़ेगा वीडियो में, तो बने रहो और इतनी जल्दी भी क्या। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर जो मोटा वाला वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसको आप किसी भी टेप में या कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो, गोल वाली कोई चीज़ गोल गोल सी हो, वो बेलन आकार मतलब जो भी चीज़ हो उसमें आपको उस तरीके से लपेटते जाना लपेटते जाना लपेटते जाना, और ज़्यादा नहीं लपेटना आपको, ओनली 15 टर्न्स लगाने, हाफ टर्न्स 15 लगाने मतलब 15 टर्न लगाने के बाद आपको यहाँ पे बीच में इस तरीके से एक लूप बना देना है। लूप जानते हो क्या होता है, इस तरीके से वही बनाते हैं ना, ये गोल गोल सा यहाँ पे तार को मतलब थोड़ा फोल्ड कर देना इस तरीके से, इसे कहते हैं लूप। तो वैसे लूप बनाने के बाद आपको अगेंस्ट 15 टर्न्स लगाने, जिस तरफ आप लगा रहे थे उसी तरफ आपको लगाने हैं। तो क्या लगाना है, टर्न्स लगाने, टोटल यहाँ पे आपको लगाने 13 टर्न्स। आप यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो मतलब यहाँ पे 40-40 कर सकते हो मतलब नॉर्मली 20-20 करके, तो मैंने यहाँ पे 13 टर्न्स में से नॉर्मल सही है, ज़्यादा टर्न्स आपको नहीं लगाने हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है ये बन के रेडी हो चुकी है इस तरीके से। और भाई यहाँ पर जो वायर वायर साइड में ना इसको आपको इस तरीके से लपेट देना, जिससे हमारी जो कॉइल एकदम अच्छी तरीके से राजा बाबू बन के रेडी हो जाएगी। तो ज़्यादा इसके जो वायर है ना फैलेंगे नहीं, आप यहाँ पर कोई टेप का भी यूज़ कर सकते हो उसको चिपकाने के लिए इन वायर्स को। तो गाइस आपको यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने जो प्राइमरी कॉइल तुम्हारी बन के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर आपको बीच में इस तरीके से लूप बना लेना, और यहाँ पर आपको इस तरीके से समझ चुके हो, देख चुके हो, समझदार हो, समझदार हो, देखे कोई प्रॉब्लम होता मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस हमें यहाँ पर एक कॉइल और बनानी है और उस कॉइल को बाद में बनाएंगे। तो पहले गाइस हम यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड को कटिंग कर लेते हैं, जो गाइस हमारे बाद में जिस चीज़ में हम पूरे सेटअप करने वाले हैं इस बोर्ड में। तो मेरे पास यहाँ पर कोई एल्युमिनियम सीट थी ना, मैं सीट में यहाँ पर लगाने वाला हूँ, आप किसी भी प्लाईवुड या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा किसी चीज़ में भी आप लगा सकते हो। मेरे पास यही पड़ा हुआ था घर में बकवास, तो इसी को सोचा कुछ ना कुछ काम में ले लेते हैं। तो इसको आज हम इसी काम में लेने वाले हैं, इसकी जो हड्डी पसली है ना ये खाल इसको निकाल देते हैं। ये गाइस इसकी एल्युमिनियम सीट की जो परत होती है वो है, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक लग रहा है एकदम झक्कास। तो कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर थोड़ा शाइनिंग मार रहा है इस वजह से मैंने इसको ब्लैक कर दिया पूरा। और अभी हम यहाँ पर लेने वाले सबसे गाइस मेन, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पूरा अपना खजाना निकालते हैं। और इस डब्बे के अंदर बहुत सारी चीज़ पड़ी, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हैं, मॉसफेट भी हैं। और अभी हम यहाँ पर कौन सा चीज़ लेने वाले, किस चीज़ का हम यूज़ करने वाले, तो गाइस हम इस चीज़ का यूज़ करने वाले गाइस 3 टांग का एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर नहीं गाइस ये एक मॉसफेट है, IRFZ44 मॉसफेट, ये यार नहीं है शायद ये वाला है गाइस, तो गाइस ये वाला है, वो मैं कोई और दिखा रहा था आपको। तो गाइस इसका आपको नंबर दिख रहा होगा IRFZ44 मॉसफेट, जिसका यूज़ हम करते हैं इन्वर्टर्स में। तो गाइस जहाँ पे इन्वर्टर रिपेयर होते हैं वहाँ पे आपको नॉर्मली मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप जाकर बोल देना भैया हमें कोई IRF मॉसफेट Z44 दे। मीटर को यहाँ पर कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद हम पहले मॉसफेट को चेक करेंगे, गाइस इसकी जो बीच वाली टांग होती है उस पीछे वाली जो हीट सिंक होती है, गाइस ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो अभी क्या करना है, इसको पहले चेक करना है, तो चेक करने से के लिए क्या करेंगे, आप वहाँ पर दुकान में जाओ वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेड वाली क्रॉप है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और साइड में यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे दोनों टांगों में लगा लगा के लेफ्ट राइट दोनों तरफ, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं
नहीं आने चाहिए मीटर में, इसका मतलब हमारा जो मॉस्फेट एकदम झक्कास मस्त है, एकदम ओके है। आपको यहाँ पर कोई बेकार यूज नहीं कर लेना, नहीं बाद में बोलो भाई हमारा चल नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप दुकान में जब लेके आओ तो उसको पहले आप चेक कर लेना। तो पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते, कोई ज़्यादा सिंपल मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं, ज़्यादा मुश्किल कनेक्शन नहीं है, बहुत सिंपल से। और यहाँ पे एक हीट सिंक का यूज़ करने वाला जो कि एकदम ट्रांजिस्टर बेस है, मतलब यहाँ पे मॉस्फेट नॉर्मल इस तरीके से लगे। हीट सिंक लगाना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जब ये रनिंग कंडीशन होगा ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, हीट को कम करने हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ करने वाले 220 ओम का एक रेजिस्टेंस। अभी जो हमारा मॉस्फेट है इसकी फर्स्ट वाइल लैग में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करने वाले, 220 ओम की रेजिस्टेंस सोल्ड कर लेने और इस हीट सिंक को अच्छे चिपका देना। हम अभी यहाँ पे यूज़ करना है इस तरीके से एक ऑन ऑफ स्विच यूज़ करना, आप कोई भी अपने हिसाब से कैसा भी स्विच यूज़ कर सकते हो, छोटा मोटा प्यारा सा कैसा भी, नन्ना मुन्ना ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करना। लेकिन तो हम यहाँ पे एक बैटरी यूज़ करने वाले, 4 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है मोबाइल की बैटरी, और आप यहाँ पे गाइस 3 वोल्ट से लेकर यहाँ पे 9 वोल्ट तक किसी भी डीसी वोल्टेज वाली बैटरी का यूज़ कर सकते हो, बट एसी नहीं होनी चाहिए उसमें, वोल्टेज बैटरी में हमेशा डीसी होता है, एसी कहाँ होता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग करने, तो मैं आप ओनली सिंगल बैटरी का यूज करूँ, आप चाहो यहाँ पर डबल बैटरी का यूज कर सकते हो यहाँ पर सीरीज में लगाने के बाद। तो अब इसके कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे एक जंपर वायर का यूज करने वाले हैं, और जंपर वायर को यहाँ पे स्विच में इस तरीके से लगाना, और यहाँ पे मॉस्फेट की जो थर्ड वाली लैग है यहाँ पे आपको सोल्ड कर लेना, और बैटरी के यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको स्विच में लगा देना, और गाइस जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे आपको जो कॉइल बनाई थी ना उसको कॉइल में यहाँ पर लगाने वाले, यहाँ पर जो आपको बीच में दिख रहा है लूप यहाँ पर लगाना, और गाइस यहाँ पे जो दोनों ये वायर बचे हुए इन दोनों को यहाँ पे मॉस्फेट में लगाने वाले, एक को हम रेजिस्टेंस के पहले लगाएंगे, एक को हम बीच वाले टैंक में लगाने वाले मॉस्फेट की। तो इस तरीके बहुत सिंपल वायर, आप यहाँ पे दोनों को चेंज करके कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन बीच वाला जो वायर है यहाँ पे 100 ये जिसमें हम पॉजिटिव वायर लगा रहे हैं इसको आपको गाइस लूप में ही लगाना है, हमने यहाँ पे जो लूप बनाया था इसमें आपको पॉजिटिव वायर लगाना ध्यान से, और आपको चेंज नहीं कर देना है बाद में कैसे आपको चलेगा नहीं। तो भाई ये कुछ यहाँ पे चिपकाएंगे, तो इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्विक का यूज करने वाला हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे हॉट ग्लू किसी भी चीज से चिपका सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे इसके कनेक्शन देख लो, इससे आपको कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना, कोई स्क्रीनशॉट मार लो एक बार जो चीज माननी हो। तो यहाँ पे एक एलईडी यूज करने वाले, और गाइस हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल बनाकर रेडी कर ली, इसमें टोटल 13 स्टर्न्स हमने लगाए हुए हैं और वही सेम वायर है, और यहाँ पे एलईडी को उल्टा उल्टा कैसे भी आप लगा सकते हैं। बस फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, सेकेंडरी कॉइल भी इस तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, झक्कास वाला एलईडी बल्ब होता है ना वाला, मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई छोटी मोटी कॉइल बना ले, आप बहुत सारी कॉइल बना सकते हो, अलग अलग एलईडी भी लगा सकते, बटन लगा हुआ है, ऑन करते हैं, देखते हैं गाइस कैसे चलने वाला। तो गाइस जैसे हम सेकेंडरी कॉइल को उसके पास लेके जाएंगे ना, गाइस हमारा जो बल्ब है देखो कितना मस्त तरीके से जलने लगता है, जैसे इसको पास लेके जाएंगे और पास लेके चलते हैं, बस को ज्यादा पास भी नहीं ले जाने, हमारा जो बल्ब है फूक भी सकता है, क्योंकि वोल्टेज में कुछ ज्यादा यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। गाइस इसमें एक चीज और, गाइस अगर आप इसके बीच में कोई भी चीज अगर ला देते हो ना, गाइस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके वोल्टेज ट्रांसफर में, बट गाइस वो चीज मेटल की नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की या कोई लकड़ी वकड़ी कोई भी चीज आप यहाँ पर लगा सकते हो, इससे गाइस के जो वोल्टेज यहाँ पे जो ट्रांसफर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाइस अगर आप इसको और ज्यादा दूर से चलाना चाहते हो, यहाँ पे आपको बैटरी थोड़ी बड़ी लगानी है, बड़ी का मतलब ये कि इसमें वोल्टेज ज्यादा करना है, एंपियर ज्यादा नहीं करना आपको, गाइस हमारा 8 वोल्ट हो जाएगा, तो 8 वोल्ट से हमारे काफी ज्यादा दूर से भी जो हमारे जो बल्ब है ना वो जल जाएगा। गाइस एक दिक्कत और आपको बता दूं, यहाँ पे पास लेके जा रहा हूँ तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, और हम इसको पीछे लेकर तो हमारा बल्ब अभी मतलब हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, और इसी जगह पर गाइस अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा देता हूँ इस कॉइल को, तो हमारा जो बल्ब है ना ये बहुत कम ग्लो कर देगा, देखो बल्ब ग्लो करना बंद होगा। अब इसके लिए क्या, हमें इस कॉइल को कुछ ज्यादा पास लेके जाना पड़ेगा जब हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अब देखो इतना पास लेके जाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों आपको वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ चीज़ हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, अगर ऐसी आगे वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अभी कर लेना भाई, भूल मत जाना। तो चलिए फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।